अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद आज करहल विधानसभा पद से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष बाहर थे, उनके कार्यालय में इस्तीफा पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने नेता विरोधी दल जो नेता प्रतिपक्ष जिसको कहते हैं उसके पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब चर्चा है नेता प्रतिपक्ष पद किसे अखिलेश यादव देंगे, जल्दी ही इसको लेकर के बैठक होगी। लेकिन अब अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो कुछ मुद्दों को लेकर के टकराव होते थे या कई ऐसे मौके आए जब दोनों लोग आमने सामने थे, वो देखने को नहीं मिलेगा। अब क्योंकि अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति कौन करेगा? खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदन में नेता प्रतिपक्ष कभी भी खड़े होकर के किसी भी मुद्दे पे वो बोल सकता है, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है, चाहे वो नेता सदन हो या नेता विरोधी दल हो। तो अब इस पद की जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव किसे देंगे? हालांकि कई सारे नामों की चर्चा है जिसमें उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरीके की चर्चाएं हुई थी, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया था तब भी इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई थी कि नेता विरोधी दल लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव किसे बनाएंगे, क्योंकि कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं तो शिवपाल सिंह यादव के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को अगर नेता विरोधी दल बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि अन्य नेता जो उसकी लाइन में हो नाराज नहीं होंगे, ये एक सबसे बड़ा तर्क माना जा रहा है। और परिवार में सब कुछ जो समाजवादी पार्टी के परिवार में अब सब अच्छा चल रहा है वो शायद और बेहतर हो, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण नेता खासतौर पे जो विरोधी दल होते हैं उनके लिए होता है। इनके अलावा इंजीत सरोज जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं उनका नाम भी सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि उनके बेटे कौशाम्बी से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, ऐसे में चूँकि पिता विधायक हैं और बेटा सांसद है तो हो सकता है उस नाम पे सहमति न बने। लेकिन राम अचल राजभर जो बसपा से आए थे समाजवादी पार्टी में, वो भी विधायक हैं, पुराने नेता हैं, अच्छे जानकार हैं, उनको विधायी कार्यों की अच्छी जानकारी है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर मतदाता बहुत निर्णायक थे और इस बार समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव भी था, तो ऐसे में उनको ये पद भी दिया जा सकता है। इसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी में नामों की चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिमों की राजनीति करते आए हैं, यादवों की राजनीति करते आए हैं, तो क्या मुस्लिम चेहरे को आगे करेंगे? ऐसे में दो मुस्लिम चेहरे जो ऐसे हैं जो नेताजी के साथ काम किए हैं, महबूब अली जो विधायक हैं और मुरादाबाद से कमाल अख्तर, इन नामों की भी चर्चा है। महबूब अली पुराने नेता हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा में, जो खास तौर पे जो विरोधी दल होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, उसके पास होता है और उसके अध्यक्ष महबूब अली रह चुके हैं, तो महबूब अली के नाम को लेकर के भी चर्चा है। इसके साथ साथ कमाल अख्तर जो अखिलेश यादव के कोर टीम की हिस्सा माने जाते हैं, नेता मुलायम सिंह यादव की भी बहुत करीबी थे, अखिलेश यादव की भी बहुत करीबी है, लेकिन मुस्लिमों से अखिलेश यादव इन दोनों थोड़ी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यादव और मुस्लिम हमारे साथ हैं, ऐसे में ओबीसी या दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष का पद सौंप सकते हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम चेहरे को विधानसभा में अखिलेश यादव जिम्मेदारी सौंपते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि फायदा होगा, कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी निशाना लेगी समाजवादी पार्टी को, और इस खास तौर पे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में दूरी बनाई थी, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इन खास तौर पे ऐसे चेहरों से दूरी बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब थोड़ा साफ ठंडित होकर के राजनीति कर रही है। तो इन तीन चार नाम जो चर्चा में है सबसे ज्यादा और प्रबल संभावना शिवपाल सिंह यादव और रामचल राजभर की जताई जा रही कि समाजवादी पार्टी जल्दी बैठक करके इन नामों की घोषणा करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देगी। तो आने वाला जो विधानसभा सत्र होगा वो अखिलेश यादव की जगह कौन वो चेहरा होगा जो नेता सदन से मुद्दों पे चर्चा करेगा, और खास तौर पे विपक्ष की जो आवाज़ है, जो विपक्ष का एजेंडा है, खास तौर पे पीडीएफ फार्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन मुद्दों को जोर शोर से कौन वो नेता विरोधी दल होगा जो सदन में उठाएगा, जल्दी ही नाम तय हो जाएंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।